नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देख न्यूज में। गुरुग्राम नगर निगम के आईयू पीसी मीणा शुक्रवार दोपहर में एमजी रोड स्थित एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन मॉल में बर्गर खाने गए थे और इसके चार घंटे बाद ही निगम के जोन 3 की टैक्स विंग के टैक्स इंस्पेक्टर पंकज और क्लर्क प्रदीप के सस्पेंशन ऑर्डर टाइप हो गए। दोनों पर इस शॉपिंग मॉल की पार्किंग के प्रॉपर्टी टैक्स की असेसमेंट ठीक तरह से नहीं करने के आरोप है और निलंबन के बाद दोनों का मुख्यालय अतिरिक्त निगमायुक्त 4 कार्यालय निर्धारित किया गया है। टैक्स विंग के 2 कर्मचारी के निलंबन से नगर निगम में हड़कंप मच गया है। शुक्रवार को शहर में सीएम के 2 कार्यक्रम थे, बसई आरओबी का उद्घाटन और सिकंदपुर में जल निकाय के कार्यालय और सुंदरीकरण का कार्यक्रम था। नियमायुक्त पीसी मीणा सिकंदरपुर कार्यक्रम स्थल जाने के लिए निकले तो एमजी रोड पर रास्ते में एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन मॉल में बर्गर लेने के लिए रुक गए। दोपहर में 3:29 पर उनकी कार अंदर गई और 3:39 पर बाहर आ गई। पार्किंग के निकास पर पार्किंग शुल्क की पर्ची ले ली। इसके बाद रिकॉर्ड में पाया गया कि पार्किंग निशुल्क है, लेकिन इसका शुल्क वसूला जा रहा है। जानकारी के अनुसार निशुल्क पार्किंग रखने पर गुरुग्राम नगर निगम बेसमेंट पार्किंग का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं वसूलता। नगर निगम के रिकॉर्ड में एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन मॉल ने 13 जुलाई को बेसमेंट 1 और बेसमेंट 2 यानी 2 पार्किंग का कुल प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया था, यानी पिछले वित्त वर्ष में इस मॉल की पार्किंग निशुल्क नहीं थी। 7 अप्रैल के रिकॉर्ड के अनुसार दोनों बेसमेंट पार्किंग फ्री दिखाई गई थी और प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया गया था और इसी मामले की गहनता से जांच के बाद ही सच्चाई सामने आई। इस वीडियो में केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देख न्यूज़।